कोरोना को जल्द से जल्द हराना है, जिसको लेकर के पूरा कानपुर शासन प्रशासन लगा हुआ है। इतना कहना चाहता हूं कि जो कोरोना का ये संक्रमण है, काफी समय से आप देख रहे हैं कि जो इसके रोगी हैं वो सामने आ रहे हैं, और अभी भी ये दिखाई पड़ रहा है कि लोगों के स्तर पर जिस तरह की सावधानी की अपेक्षा है वो सावधानी लोग नहीं बरत रहे, जैसे मास्क नहीं लगा रहे, या अगर मास्क लगा भी रहे हैं तो जो मास्क प्रोटोकॉल है उसका ध्यान नहीं रख रहे, बार बार मास्क के आगे वाले हिस्से को छू रहे हैं, और उसी हाथ से फिर जब कोई चीज कोई इंसान कुछ खाएगा तो संक्रमण की पूरी संभावना रहती है। तो और इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग की एक बात शुरू से कही जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, क्योंकि इस वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है या जो मास्क लगाने की जो अनिवार्यता है, इस चीज को सभी को समझना होगा, और ये दो चीजें ऐसी हैं जो इस बीमारी से हमें दूर रख सकती है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि सबसे पहले तो मास्क बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिकली फेस कर रहे हैं कि जिन लोगों ने मास्क को बहुत अच्छे से यूज किया है वो इससे बचे रहे हैं। दूसरी चीज, ये मौसमी जो सर्दी जुकाम बुखार खांसी चल रहा है, इसको हल्के में ना लें, इसको तुरंत जो नज़दीक सेंटर हो या हॉस्पिटल हो वहाँ जाके अपनी जाँच करवा लें। जाँच के बाद फिर ये कोशिश करें कि घर पर ना रहें, हम किसी को एडवाइज नहीं करेंगे, घर पे रहें, वो तुरंत डॉक्टर का कंसल्ट ले लें और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट उसको चालू कर लें। यदि जरा से भी उनको दिक्कत होती है, सांस लेने में फीवर बढ़ता है, कम नहीं हो रहा है, तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग समय से अस्पताल पहुंच गए हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, उनको मैंने सकुशल घर भेजा है। हम वहाँ पर पब्लिक जितने जो लोग लापरवाही कर लिए या उसको अपना ट्रीटमेंट चालू करते रहे, और कोविड की रोकथाम के लिए आपके दर्शकों से यही अपील है कि इसमें प्रिवेंशन ही इसमें एकमात्र सफल उपाय है। जैसा कि अभी वैक्सीन इसमें ईजाद नहीं की गई है और मास्क को मिनी वैक्सीन कहा जा रहा है, तो ऐसे में समस्त लोगों से यही अपील है, कृपया मास्क का उपयोग करें। अगर हल्के लक्षण प्रतीत होते हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसको कोविड है, तो तुरंत टेस्ट कराएं, उससे ना घबराएं, एवं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं वो करें। बांदा में एक दलित विधायक ने आरोप लगाया कि